हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल अगेन। सो फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, और इंट्रोडक्शन करते वक्त हमने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्जन भी कर लिया था, मगर बहुत सारे बच्चों को फिर भी कन्वर्जन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, वो जो कन्वर्जन में तकलीफ थी वो रेडियन से डिग्री में थी। रेडियन से जैसे वो डिग्री में कन्वर्ट करते थे तब दिक्कत आती थी, और दिक्कत आना खैर लाजमी भी है क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करते वक्त हमें मिनट और सेकंड की कैलकुलेशन भी देखनी होती है। तो उसी को लेके थोड़ा सा एक बारी और ट्राई करते हैं, तो आपको शायद क्या पता समझ आ पाए। खैर, धीरे धीरे जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाओगे तो आप अपने आप ही अंडरस्टैंड करते जाओगे, बट कोई बात नहीं। बट एक बार पहले कन्वर्जन लिख लेते हैं। तो एक डिग्री के अंदर हमारे पास पाई अपॉन में 180 डिग्री रेडियंस होता है, 180 रेडियन होता है। सेम अगर एक रेडियन की बात करें तो एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्रीज होती हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 उठा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का ही है। उसने बोला हुआ 6 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो और क्या आंसर आएगा बता दो। तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले एक रेडियन का मेजरमेंट पता चल जाए। तो एक रेडियन में हमारे पास 180 बाय पाई डिग्रीज होती हैं, तो 6 रेडियन में कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर 180 बाय पाई इंटू 6। जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1080 डिवाइड बाय पाई। पाई का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब भी फ्रैक्शन नंबर होता है तो ऊपर भेजते वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7/22। आप इसे और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 7560 डिवाइड बाय 22। अब इसे सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट ले रहा हूं। 66 था, तो ये हो जाएगा 40। तो इससे ज्यादा फर्दर हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब इसका मतलब है कि ये तो मिनट में कन्वर्ट होगा कंफर्म, ठीक है। अब सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना, जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइड नहीं कर पाओ तो पॉइंट में मत करना, माइंड में ध्यान रख लेना कि ये बच चुका है, अब इसको मेरे को ना मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, आगे सॉल्व करने से पहले आप ना साइड नोट पे सॉल्व कर दे फिर, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, देखो ये तो डिग्री रह गई है, आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसे मिनट में कन्वर्ट करो। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 14 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कन्वर्जन आ जाएगा 840, ठीक है। तो अब जब 840 आ ही गया है तो 840 को जब हम चेंज करेंगे, तो 840 को चेंज करने के लिए फिर से वही डिवाइड किससे करना है अपने को, 22 से। तो फर्दर 22 से डिवाइड कर लेते हैं, एक बारी 3 पे जाएगा 66, और ये बच जाएगा हमारे पास 180। आगे से सॉल्व करते हैं तो ये 8 पे चला जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास 4 बच गया। अब फिर से 4 बच चुका है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये मिनट वाली कन्वर्जन हो गई और ये सेकंड वाली कन्वर्जन है, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो गया 240। अब 240 को डिवाइड करेंगे 22 से, तो और 0 पे चला जाएगा, तो फिर से 20 आ गया, पॉइंट लेना पड़ेगा अब हमें, 200 हो जाएगा। 9 पे करेंगे तो 198 हो जाएगा, और फिर से 2 आ गया, यानी कि फिर कैलकुलेशन रिपीट होगी, फिर हमें 0 लेना पड़ेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो यानी कैलकुलेशन चलती जा रही है। तो अगर आप देखो कंबाइंडली ना आप सब कुछ कर चुके हो, मिनट से सेकंड, सेकंड से डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड से कैलकुलेशन, तो फाइनल आंसर आपका होगा क्या, सबसे पहले आपने कितना करा, 343 डिग्री। मिनट्स में आपका आंसर कितना आया था, 38 मिनट्स, और सेकंड में आपका आंसर कितना आया है,
10.90 आगे सॉल्व करोगे तो 9 हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 10.9 है तो अप्रोक्स इसे 11 ही कर लेते हैं, तो 11 अप्रोक्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतनी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, मगर धीरे धीरे करोगे तो अपने आप आ जाएगा, आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी जरूर कवर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे, मगर एनसीईआरटी अपने इम्पोर्टेंस रखती है 11th क्लास में। क्वेश्चन करते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और उसने बोला हुआ है कि रेडियन दिए हुए आप उसे डिग्री में कन्वर्ट करते रहे। तो पहला है 25 डिग्री, 25 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री का क्या रेडियन कन्वर्जन इतना कोई खास होता नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई कर लेना खुद ही। तो एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पहले ये भी तो पता होना चाहिए, तो याद आ गया सर पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, तो उसी तरह 25 डिग्री में कितने होंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180। काटना चाहो तो काट सकते हो, कट रहा है ये 6, तो ये आगे 25 डिग्री में पाई बाय 36 रेडियंस होंगे। ठीक है, उसी तरह एक सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, खैर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कई बार थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है बच्चा कि नेगेटिव कैसे आ गया। देखो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो इनिशियल रे थी उसका टर्मिनल रे अपसाइड था या डाउन साइड था। अगर इनिशियल रे टर्मिनल रे पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा यानी डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगा। तो नेगेटिव एंगल भी पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी डिग्री गई है। तो पहले तो इसे थोड़ा आसान कर लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, -47 डिग्री तो एज इट इज, ये जो मिनट है ना इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखो, जरा याद करो, पहले अभी पिछले कंसेप्ट में ही करा था, पिछले क्वेश्चन में, तो क्या करा था हमने, वहां डिग्री को मिनट में बनाया था तो 60 से मल्टीप्लाई करा था। अभी क्या कर रहे हैं, मिनट से डिग्री बना रहे हैं, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 60। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ काट पीट के। अभी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया, मिक्स फ्रैक्शन से थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 14 15 95 बाय 2 डिग्री आ गया। अब रेडियन कन्वर्जन आसान है इसका, एक डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, तो उस हिसाब से 95 बाय 2 डिग्री के अंदर 95 बाय 2 × π/180 रेडियन होंगे। थोड़ा सा और काट लेते हैं, ऐसे सिंपल हो सकता है, तो ये 19 और ये 36, तो इससे ज्यादा तो क्या सॉल्व नहीं होगा ये, तो ये आ गया हमारे पास 19π/72 रेडियंस, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे के दो पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करना, मैं नहीं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन अच्छा हो जाता है क्योंकि अब रेडियन से डिग्री कन्वर्जन है। ठीक है, तो अभी जैसी पिछला एग्जांपल करा था तो बता दिया था कि डिग्री से रेडियन कन्वर्जन इतना खास नहीं होता है, मगर रेडियन से डिग्री कन्वर्जन हमेशा अच्छा होता है। तो पहला पार्ट है 11/16 रेडियंस है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर लेंगे डिग्री कन्वर्ट, काम करते हैं फ्रेश पेज ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बढ़ा ही जाता है, कैलकुलेशन दिखानी होती है हमें साइड नोट पे, तो यहाँ कर लेते हैं जरा। 11/16 को डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसके लिए पहले एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होती है वो बताऊंगी चाहिए, तो हम याद कर लेते हैं सर, रिकॉल हो गया हमारे को कि एक रेडियन के अंदर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 डिग्रीज होती है एक रेडियन के अंदर, तो उस हिसाब से 11/16 रेडियन के अंदर कितनी डिग्री होगी सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 बाय 5। ठीक है, आप और सॉल्व करना चाहो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, (11/4 × 45) और ये पाई है, पाई की वैल्यू जैसी पुट करेंगे वो 22/7 हो जाएगी, तो
ये 11/4 इंटू 45 20/7 को सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22 और फर्दर काटापिटी मारते हैं तो ये हो गया 2। इससे ज्यादा खैर डिवाइड हो नहीं सकता तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 315/8 ये आ चुका है मेरे पास आंसर। अब इसे हमें मिनट और सेकंड तक कैलकुलेशन जाएगी तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखना। 315 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ठीक है। आपने थोड़ा कई बार आपको दिक्कत आ रहा है ना, तो एक काम करो, आपने स्टेज की तरह एक फॉर्मेट बना लो माइंड में कि ना पहले स्टेज में हमें क्या करना है, स्टेज वन कि सब कुछ को सिंप्लीफाई कर लेना है कि एक फ्रैक्शनल आंसर आ जाए सिंपल, ठीक है। स्टेज टू में हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है और लॉन्ग डिवीजन तब तक करनी है तब तक आपका जो रिमाइंडर है वो बचना जाए, यानी डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, यानी कि पॉसिबल एक्सटेंड तक जितनी डिवाइड हो सकती है कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी बचेगा स्टेज थ्री में, जो भी बचेगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर रिमाइंडर, इसमें भी कुछ रिमाइंडर आएगा तो स्टेज थ्री का जो भी रिमाइंडर होगा ना उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। बस इससे क्या तो ज्यादा नहीं है, जाना ही नहीं है, आंसर ही नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से करते हैं। सिंप्लीफाई तो कर लिया हमने पहले, अब है पॉसिबल एक्सटेंड तक डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम, 3/24 हो गया, 75/9/72 हो गया, तो ये 3 बच गया। अब इससे ज्यादा पॉसिबल एक्सटेंड तो डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि मेरे डिग्री तो आ चुकी है, कितनी हो चुकी है 39। अब बचे हुए रिमाइंडर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बोला हुआ मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी रिमाइंडर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब जो भी बचा हुआ है उसको से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं 8 × 180। अब इससे ज्यादा ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवाइड हो गया। तो अब चलते हैं स्टेज फोर पे, फोर पे क्या था कि अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो भी कैसे होगा सर, ऐसे ही होगा 60 से मल्टीप्लाई करके, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 240। तो अब डिवाइड करते हैं, 240 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 3 पे चला गया, 0 आ गया, तो ये भी 0 हो गया, तो आंसर आ गया 30। तो सबको कंबाइन करके हमें आंसर लिखना है फाइनल आंसर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, 39 डिग्रीज थी, 22 मिनट्स थे और उसके बाद 30 सेकंड्स थे, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना स्टेजेस अगर ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन निकालते जाओगे आपको अपने आप रट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे होमवर्क के लिए होंगे, आप खुद ट्राई कर लेना, बट हाँ एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ताकि कंसेप्ट ठीक हो जाए। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसी का सेम, -4 डिग्री को रेडियन है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। एक रेडियन के अंदर 180/π डिग्रीज होती है, तो -4 रेडियन के अंदर कितनी होगी, -4 आ गया, 4/π, पाई की वैल्यू अभी रिप्लेस कर देते हैं 22/7, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -4 × 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/22 आ जाएगा। काटापिटी मार लेते जितने सॉल्व होगा, तो ये 2 हो गया और ये 11 हो गया, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेगेटिव में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव में एंगल हो सकता है, हमने देखा हुआ है। तो ये आगे 252/11, ठीक है। तो जैसा कि स्टेजेस में देखा, तो स्टेज वन पहले हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसे मिनट कन्वर्ट करना है, मिनट के पहले डिग्री कन्वर्ट करना है, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, तो 252 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, इससे ज्यादा डिवाइड हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, मिनट कन्वर्ट करना है, मिनट कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 600। तो डिवाइड करते हैं 600 को 11 से,
तो ये 6 आ गया। अब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, अब रह चुका इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो हमें किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, 6 into 60 ये हो जाएगा 360 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 पे 7, तो 32.7 आ चुका है आंसर मेरा। इससे ज्यादा हम डिवाइड करेंगे नहीं, इसे अप्रोक्स कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कितनी डिग्री आया था, 22 डिग्री, मिनट कितना था, 54 मिनट, और सेकंड कितना आया है अप्रोक्स में, 33। साथ ही साथ ब्रैकेट में अप्रोक्स जरूर लिख लेना, ताकि टीचर को पता चल जाए आपको नॉलेज पूरी थी बट आपने अप्रोक्स में आंसर लिखा हुआ है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप, दो पार्ट्स बचे हुए तो आप वो खुद ट्राई करना, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट क्लास करा था। तो लास्ट क्लास जब रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे एक चीज बताई थी, जो डिग्री कन्वर्जन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि 180 डिग्री के अंदर पाई होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, और ये आया कैसे था, इसके पीछे प्रॉपर्टी था कि सर्कल जब पूरा होता है, रोटेट होता है, तो उसमें 360 डिग्री एंगल लगता है, साथ ही साथ सर्कल जब रोटेट होता है तो उसमें 2 पाई रेडियन लगता है, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया था इसे, जैसे 2 से डिवाइड करा तो 180 डिग्री जो आ गया वो पाई के इक्वल आ गया था, और उसी से हमने कन्वर्जन स्टार्ट करा था, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल हम करने वाले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो कोई व्हील है 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि थ्रू बाय हाउ मेनी रेडियस, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितना रेडियन बनाएगा वो बता दो आप मेरे को, ठीक है। तो कितना रेडियन बनाएगा वो तो देखते हैं पहले, इसे सेकेंड में तो कन्वर्ट करें, तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन लेता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लेगा सर, 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 360/60 काटा पीटी मारी तो ये आ गया, 1 सेकेंड में ये 6 रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है। अब सोचो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, यानी 6 बार घूम रहा है। अब मेरे को जरा सोच के बताओ 1 रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये कितने रेवोल्यूशन है, 6 रेवोल्यूशन है। 1 रेवोल्यूशन में कोई भी मटेरियल होगा तो कितने पाई रेडियन बना सकता है, सर 2 पाई रेडियन बना सकता है। कैसे है? सर हमने पढ़ा तो था एक सर्कल होता है, वो पूरा का पूरा अगर रिवॉल्व हो रहा है इसका मतलब पूरा सरफेस लग रहा होगा, यानी सर्कमफ्रेंस लग रहा है, और सबने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस में एंगल कितना बनता है, 2 पाई, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा हो तो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें याद आ जाएगा आपको। तो इसका मतलब, और अभी बताया था मैंने 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल जो है वो रोटेट होता है, तो उस हिसाब से हमें कितना 6 रेवोल्यूशन का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर 6 रेवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो होगा 2 पाई इंटू 6, यानी कि 12 पाई रेडियंस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर, ओके। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया है, वो कंसेप्ट एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। रेडियन को लेके मैंने बात करी थी, उसी से फॉर्मूला डिराइव करना है। चाहूं तो देखो रटा रटाया फॉर्मूला बता सकता हूँ, आप भी रटा रटाया फॉर्मूले को आप भी रट्टा मार लेना, आंसर में यूज कर लेना, आंसर भी आ जाएगा आपका एग्जाम, और एग्जाम में जो एग्जामिनर आपके मार्क्स भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पे पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो प्रूविंग है क्या, जरा एक रेडियन के बारे में बताओ, जरा रेडियन मैंने क्या बताया था, सर आपने रेडियन बताया था कि किसी एक सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, उसके अंदर कोई एक आर्क 1 यूनिट वाली कितना रेडियन एंगल बनाती है, 1 रेडियन एंगल बनाती है, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से अगर बात बिठाऊं मैं, तो जरा सोचो ये थीटा, ये जो एंगल आया 1 रेडियन कैसे आया होगा। देखो ये ऐसे आया था, L को जब R से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जरा याद करो जब रेडियन निकाला था हमने, और ध्यान रखना ये थीटा रेडियन में आया था, ठीक है। कैसे आया, देखो L था 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट को आपको रेडियस से डिवाइड करा, रेडियस भी कितना था 1 यूनिट, तो आपका आंसर कितना आया था, 1 रेडियन वाला आंसर आया, ठीक है। यानी जब आप फॉर्मूला ड्राइव हो गया लेंथ ऑफ आर्क,
को जब आप रेडियस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, यानी एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसी से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है और आगे जब इस्तेमाल होगा तो बताएंगे। तो उसी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया, तो रेडियस नोट कर लेते हैं, रेडियस हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे दिया तो उसे एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, वो हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक बना लेते हैं सर्कल, प्रैक्टिकल फिगर आसान कर देती है। तो कोई रेडियस है, रेडियस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो कोई आर्क बन गया है, मान लेते हैं वो आर्क यहां तक चली गई, ठीक है, ये आर्क हो गई, और वो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो आपसे थीटा मांग रहा है, बोला थीटा बता दो, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, थीटा यहां पर नॉर्मली किसमें आता है, रेडियन में, और क्वेश्चन ने जो थीटा मांगा हुआ है वो डिग्री मेजर वाला मांगा हुआ है, ध्यान रखना। तो कन्वर्ट करते हैं, पहले तो थीटा निकाल तो ले, रेडियन डिग्री तो बाद में कन्वर्ट करेंगे ना। तो सर फॉर्मूला अभी आपने बताया था, पुट करते हैं आंसर निकालेंगे, बिल्कुल। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, एल बाय आर इज इक्वल टू थीटा, एल की वैल्यू आ गई 22, आर की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, ये आ गया थीटा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यही हमारे को जो है आंसर होना चाहिए। मगर ये आंसर कैसा है, रेडियन वाला आंसर है, ठीक है, और आंसर हमसे कैसा मांगा हुआ, डिग्री मेजर वाला आंसर मांगा हुआ। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है सर, ये तो अभी पढ़ा था, एक रेडियन के अंदर 180 बाय पाई डिग्री होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते, थीटा हो जाएगा हमारे पास 22 बाय 100 इंटू 180 बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक रेडियन के अंदर अगर इतने डिग्री होते हैं तो 22 बाय 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 22 बाय 100 इंटू 180, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 बाय 7 है, डायरेक्ट कर लेते हैं, रेसिप्रोकल होके 7 बाय 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, चाहो तो और सॉल्व कर लेते हैं, मगर मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 बाय 10, ठीक है। तो सिंप्लीफाई तो हो चुका है, अब वैसे ही स्टेप फोकस करने हैं हमें डिवाइड वाले, तो सर 126 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 120, 6 से डिवाइड हो नहीं सकता इसके बाद, तो 6 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये आ गया 360, फिर 360 को डिवाइड करेंगे 10 से, सर ये तो अब डिवाइड ही हो जाना है, तो पहले चला गया 3 से, फिर 6 से, कैलकुलेशन क्लोज। तो फाइनल आंसर कितना आ गया सर, 12 डिग्री लगी थी और मिनट्स कितने लगे हैं 36, तो फाइनल आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट्स, क्या होगा हमारा थीटा इन डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इनके इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है, एक सर्कल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें कि इसमें जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर का, और बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ध्यान रखना कॉर्ड का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड नहीं आर्क नहीं बोला, कॉर्ड बोला है ऑफ अ सर्कल, और फिर आपसे बोल रहा है कि उसका माइनर लेंथ बता दो, ठीक है, माइनर लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क को हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बता दो। तो एक बार फिगर बनाएंगे, जैसे फिगर बनाएंगे ना तो कंपैरेटिवली आपको आसान दिखेगा, ठीक है। तो एक बार इधर फिगर बनाने से पहले चलो फिगर ही बना लेते हैं, तो एक मान लेते हैं, अब देखो, तो देखो डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर की बना है, अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर, हाफ ही होता है उसका, तो ये मान लेते हैं ये हमारा रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन ने कोई कॉर्ड गिवन है, अब वो कॉर्ड कहाँ की है हमें नहीं पता, तो मान लो ऐसी बना लेते हैं, ये कॉर्ड हो गई,
इस कोड की लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको भी ना ज्वाइन ही कर लेते हैं, क्या पता ट्रायंगल से कोई आंसर निकल आए, तो ये भी 20 हो गया। ठीक है, तो अब देखो जरा एक बार माइंड में बैठा, मेरे को लेंथ ऑफ आर्क मांग रहा है, वो माइनर है मेजर है वो छोड़ो, मेन फोकस रखो लेंथ ऑफ आर्क पे। और लेंथ ऑफ आर्क कौन से फॉर्मूले से आती है सर, एल बाय आर इज इक्वल टू थीटा। तो देखो रेडियस तो अपने को पता है 20 सेंटीमीटर है, ये थीटा नहीं पता, तो थीटा पता लगेगा तभी तो आंसर आ पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो थीटा निकालते हैं हम। अब थीटा निकालेंगे कैसे सर, ये ट्रायंगल में ये थीटा ही तो चाहिए ना, तो आप देखो एक बार ये ट्रायंगल जो भी है एक बार नाम देते हैं ए बी सी। सर ए बी सी ट्रायंगल में ना तीनों साइड बराबर है, और जिस भी ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वर्किंग नोट ले लेते हैं, साइड नोट ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कैसे होते हैं 60 डिग्री के, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। मगर ध्यान रखना इस फॉर्मूले में थीटा कैसा होता है हमेशा रेडियन वाला, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते थे, पाई बाय 180 रेडियन होते थे। सेम ऐसे 60 डिग्री के अंदर कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई बाय 180 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, तो अब पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू पता है 20 थी, थीटा की वैल्यू पता है पाई बाय 3 थी, तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास 20 पाई बाय 3, ये हमारे पास एल आ गया। ठीक है, अब ये माइनर और मेजर क्या है, एक्चुअल में उसने माइनर मांगा था ना, तो यही इसी को माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर वो मेजर आर्क मांगता तो मेजर आर्क ये वाली हो जाती, बड़ी वाली। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं और सर्कमफ्रेंस में से माइनर वाली आर्क माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास लेंथ आ जाती है मेजर आर्क के लिए। ठीक है, जनरली क्या पता आप पेपर में पूछ ले तो आपके लिए बता दिया। ठीक है, ये मेरे पास माइनर आर्क की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दो सर्कल बोल रहा है, दो सर्कल गिवन है आपको, दो सर्कल की रेडियस है, तो इसकी रेडियस को R1 बोल देते हैं, इसकी रेडियस को R2 बोल देते हैं, ये सर्कल 1 हो गया, सर्कल 2 हो गया। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो ये आर्क हो गई और इसमें ये आर्क हो गई। ठीक है, आर्क का नाम L ही रखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, सेम है, तो क्यों चेंज करना L1 L2 बोलने में क्या फायदा। बोल रहे जो एंगल बना रहे हैं ना, इसमें थीटा है 60 डिग्री, इसमें थीटा है 75 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है आपसे R1 बाय R2 बता दो क्या होगा, रेशियो बतानी है R1 बाय R2 की, क्या रेशियो होगी। ठीक है, रेशियो तो निकाल लेंगे सर, पर कैसे निकालेंगे, अरे अभी तो पता नहीं कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, आप जो जो गिवन है वो पुट तो करो। आप देखो पहले R1 की वैल्यू निकालो, देखो R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, क्या घटिया क्वेश्चन है। तो R1 कैसे निकलेगा सर, फॉर्मूला से, फॉर्मूला करा था ना L बाय R इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, L की वैल्यू पता है हमें, L एज इट इज, R की वैल्यू नहीं पता, R1 हो गया, और थीटा की वैल्यू पता है 60 डिग्री, तो L कितना आ गया 60 डिग्री इंटू R1। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर थीटा तो रेडियन में होता था इस फॉर्मूले में, आपने डिग्री में कर दिए तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ नहीं है, आपका जो थिंकिंग है बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोच रहे हो कि यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, बट मैंने इसे रेडियन में नहीं लिखा है, उसका रीजन है, एक बार मैं सॉल्यूशन कर लूं तो आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें लगाते हैं L बाय R इज इक्वल टू थीटा, L का वैल्यू पता है, R1 का वैल्यू R2 हो जाएगा, सॉरी R का वैल्यू R2, थीटा पता है यहाँ पे 75 डिग्री, तो L की दूसरी वैल्यू आ गई 75 डिग्री इंटू R2। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसे इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, दोनों ही इक्वेशन में L यूज है, और क्वेश्चन ने बोला हुआ L तो बराबर है भाई, दोनों ही वैल्यू L की है, तो आपस में ये भी इक्वल होनी चाहिए ना, तो इक्वल रख लेते हैं इन्हें, तो इन्हें इक्वल रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वल आ गई है, यानी 60 R1 75 डिग्री R2। ठीक है, अब क्वेश्चन ने रेशियो मांगा था, तो रेशियो बना लेते हैं एक बारी, R1 डिवाइडेड बाय R2, ये R1 है, R2 इधर आ जाएगा 75 डिग्री एज इट इज, ये 60 मल्टीप्लाई आएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो R1 बाय R2 का रेशियो है, काटापिटी मारोगे तो 5/4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं, डिग्री में ही क्यों लिया हमने, रेडियन कन्वर्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि रेडियन में इम्पोर्टेंट था। अच्छा चलो ठीक है, काम करो रेडियन में आप कन्वर्ट करो। ठीक है, वहां कहीं रेडियन में तो देखो कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो काम करते हैं इसी लास्ट स्टेप में रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 75 डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन से डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है, ये हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी पाई बाय
180. सेम ऐसे यहाँ हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180. अब सोचो डिवाइड में जाना है पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कट ही जाना है, आखिरी में बचने गया 75 बाय 60 और आंसर आना गया वापस 5 बाय 4. इसीलिए हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करा था. ओके अच्छा चलते क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही डिस्कस कर लूंगा, करूंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क है तो आपको ही करना है यार, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ दे रखी है और बोल रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 75 सेंटीमीटर, ठीक है. अब लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 है तो आप ना समझ लो ये रेडियस ही होनी है. रेडियस क्यों होनी है वो वॉच में देखा होगा, बहुत सारी जिनमें पेंडुलम अलार्म लगा होता है या नॉर्मल पेंडुलम में समझ सकते हो, तो जितनी उसकी लेंथ होती है वो उतना ही सर्कल रोटेट कर सकता है. मान लो कोई लेंथ वाला पेंडुलम इतना है तो वो ट्रेवल करेगा तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा. तो देखो जितनी उसकी लेंथ है उतनी तो रेडियस बनाएगा, उतनी तो आर्क बनाएगा, ठीक है. तो उसकी लेंथ का मतलब एक्चुअल में वो रेडियस दे चुका है 75 सेंटीमीटर. फिर वो बोल रहा है अलग अलग पार्ट में कि जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो अलग अलग होगी, यानी एल की वैल्यू कभी 10 होगी, कभी 15 होगी, कभी 21 होगी. तो बोल रहा थीटा बता दो. क्या मजा आ गया, थीटा की वैल्यू पता है ना, एल बाय आर. एक बार एल 10 रखो, आर की वैल्यू 75 पहला आंसर, फिर एल की जगह 15 रखना, आर की जगह 75, फिर एल की जगह 21 और आर की जगह 75. तो आपके तीन आंसर आ जाएंगे तीन पार्ट के, ठीक है. तो आज की वीडियो में इतना ही. कोई भी डाउट हो फिर से बोलूंगा, जो हमारे ट्यूशन के बच्चे हैं वो हमें मैसेज पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और अदर स्टूडेंट भी चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, दैट्स ओके. बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो से इन द कमेंट सेक्शन. ओके थैंक यू सो मच.